प्रदेश भर में गेहूं, चने और सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीद की जा रही है। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि प्रदेश के सभी केंद्रों पर समर्थन मूल्य पर खरीद 29 जून तक जारी रहेगी। समर्थन मूल्य पर खरीद का रिस्पॉन्स बाज़ार के आधार पर चलता है। वर्तमान में चना और सरसों और सोयाबीन सब के भाव बाज़ार भाव ज़्यादा है और समर्थन मूल्य कम है। बाज़ार अच्छा है तो लोग अपना बाज़ार में माल बेचें, और बाज़ार में अगर भाव कम है तो समर्थन मूल्य पर अपना माल तुलाएं। तो इस साल चूँकि भाव ठीक रहे तो इसलिए समर्थन मूल्य पर बहुत कम खरीद हुई है, लेकिन फिर भी गेहूं में खरीद ज़्यादा हुई है और चना और सरसों और सोयाबीन तो अब आएगी, इनमें खरीद कम है क्योंकि बाज़ार भाव ऊँचा है। यहाँ पर समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद की जा रही है, जिसके अंदर FCI के जो मापदंड है उसके अनुसार ही खरीद की जा रही है। अब तक 800 से 900 क्विंटल तक खरीद की जा चुकी है। यहाँ पर मंडी में किसान के आने पर सैनिटाइजर किया जाता है, उसको मास्क का यूज़ किया जाता है जो उन्हें लगाता है, और सभी कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए खरीद की जा रही है। किसानों की आवक बढ़ती जा रही है और खरीद भी जारी है। मैंने समर्थन मूल्य पर क्रय विक्रय सहकारी समिति बस्सी में विक्रय केंद्र लगा हुआ है। किसान भाई ऐसे निवेदन करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर अपना गेहूँ समर्थन मूल्य पर बेचें और सरकार द्वारा लाभ दिया जा रहा है उसका लाभ का फायदा उठाएं। बाजार से हमारे को 100-150-200 क्विंटल ज़्यादा मिल रहे हैं। बाजार में 1750-1800 रुपये क्विंटल के मिल रहे हैं और यहाँ पे भाव अच्छे हैं।